ओम सरस्वत्यै च विद्महे विद्यादात्रै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे बसंत पंचमी की। सबसे पहले मित्रों, आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आपके जीवन में ज्ञान विज्ञान की वृद्धि हो, माँ सरस्वती की विशेष कृपा बनी रहे, क्योंकि जीवन में ज्ञान है तो सब कुछ है। और दूसरी बात, शास्त्र कहता है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या ही सभी धनों में प्रधान है। और विद्या की देवी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती बाग बागेश्वरी। बसंत पंचमी जो कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। और बसंत पंचमी के दिन क्या क्या करना चाहिए, बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों के लिए विशेष करके बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। बसंत पंचमी कब है और बसंत पंचमी के दिन किस प्रकार के उपाय करें जिससे आपके जीवन में ज्ञान विज्ञान की वृद्धि हो, साथ में जिन विद्यार्थियों का मन या फिर जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उनके लिए कौन कौन से ऐसे उपाय किए जाए जिससे कि वह विद्वान बने और विशेष करके कॉन्सेंट्रेट कर सके, यानी कि ध्यान केंद्रित करके और अच्छी पढ़ाई करे और अच्छा रिजल्ट उनके जीवन में प्राप्त हो। मित्रों, बसंत पंचमी जो है वह माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि यानी कि बुधवार के दिन इस वर्ष 14 फरवरी 2024 को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मित्रों, बसंत पंचमी का दिन अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए, प्रातः काल स्नान ध्यान करके पीला वस्त्र धारण करें। माँ सरस्वती की प्रतिमा आपने देखा होगा बहुत सारे विद्यालयों की विशेष बात करें, अगर आप कोचिंग सेंटर यानी कि क्लास चलाते हैं और या फिर आपका विद्यालय स्कूल है या फिर आप घर में बच्चे जहां पढ़ाई करते हैं, जिस घर में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो घर पे भी माँ सरस्वती का पूजन कर सकते हैं, इससे अनंत गुना लाभ मिलेगा। मित्रों, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है, तक्षक पूजन भी किया जाता है, कलम और दवात का पूजन यानी पहले समय में तो लेखनी और पुस्तिका यानी कॉपी और पेन की पूजा भी आप कर सकते हैं उस दिन। और ऐसे पूजन करने से पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ पूजन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप बड़े विद्वान बनेंगे, अग्रसर होंगे और जो भी समस्या विद्या से जुड़ी हुई आपके जीवन में आ रही है, निश्चित तौर पर उससे आपको छुटकारा मिलेगा और आपका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होगा पढ़ाई में, जिससे कि आप अच्छे रिजल्ट की तरफ निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। मित्रों, बसंत पंचमी के दिन स्नान ध्यान इत्यादि करके प्रातः काल आप पीला वस्त्र धारण करें। माँ सरस्वती के पूजन के लिए माँ सरस्वती की एक प्रतिमा या फिर तस्वीर आप अपने घर में रखें और सुंदर चौकी पे एक लाल कपड़ा या फिर पीला वस्त्र बिछा दें। माँ सरस्वती के पूजन के लिए 1650 पूजन करने के लिए आप सामग्री एकत्रित करें, आप खुद भी कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण के द्वारा भी आप विधिवत पूजन कराएं। और ओम देखिए, पूजन करने के पश्चात आपको माँ सरस्वती को भोग इत्यादि समर्पित करना चाहिए और भोग समर्पित करके और आप उस दिन लेखनी पुस्तिका का पूजन करें। जो भी आप अध्ययन करते हैं, जो भी पुस्तक हैं, जो भी किताबें आपके पास है, उन किताबों को निकालकर माँ सरस्वती के सम्मुख आप रख दें और माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि हे ज्ञान की देवी, आप मेरे जीवन में अंधकार में जो चीजें हैं उनको समाप्त करें और ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में आप प्रदान करें। और उसके अलावा आप वहां पे 1650 पूजन करें और पूजन करने के पश्चात माँ सरस्वती की आरती करें, भोग समर्पित करें और या फिर जैसे मैंने बताया कि पिछले कि किसी ब्राह्मण के द्वारा भी आप पूजन कर सकते हैं। और किस मंत्र का जप उस दिन करना चाहिए और माला कौन सा होना चाहिए जिस माला पे आप जप करें, रक्त चंदन के माला से आप जप करें। ओम श्रीम श्रियै नमः, माफ कीजिएगा, ओम सरस्वत्यै नमः मंत्र का आप जप करें या फिर सरस्वती का बीज मंत्र जो है वह है ओम एम। एक और सटीक उपाय आपको बताता हूं, जिन उपायों को करके आप निश्चित तौर पर बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिनको ज्ञान में समस्याएं आती है यानी कि याद नहीं रह पाता है, कोई भी अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए रामबाण का कार्य करेगा।
आपको शहद यानी कि मधु लेना है, और मधु लेकर वहां सरस्वती का पूजन करने के बाद एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते पर शहद रखकर और अनामिका ये जो अंगुली है इससे उस शहद को मिलाना है अच्छे से। सरस्वती के सम्मुख बैठकर माता जी के पास बैठकर मिलाना है, और मिलाते हुए ओम एम सिर्फ इसी मंत्र का जप आपको पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ 108 बार करना है। करने के पश्चात जिस विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है उसके जिह्वा पर इस शहद यानी इस मधु को लगाना है, और लगाते हुए उस मंत्र का जप या फिर उसका उसको लगाएं और मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पर कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। व्यक्ति विद्वान बनेगा, उसका मन पढ़ाई में लगना प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।